A very good morning, students. Myself Diksha Gupta, your English teacher, and I am teaching you English grammar. That is your English B. ठीक है? In the yesterday lecture, we have discussed about transitive and intransitive verbs. क्या होते हैं transitive verbs? क्या होते हैं intransitive verbs? Direct object क्या होता है? Indirect object क्या होता है? I hope that the yesterday's topic is understood by you all. ठीक है? In today's topic, we will discuss about active and passive voice. हम क्या पढ़ने वाले हैं? Active and passive voice पढ़ने वाले हैं. ठीक है? So let's start with the topic. In English language, there are two voices. English language में two voices होती हैं. Active voice होती है और एक passive voice होती है. ठीक है? अब ये voice होती क्या है? The voice of a sentence. सेंटेंस की वॉइस हमें क्या बताती है कि सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है. स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि हम एक सेंटेंस कैसे लिखते हैं. पहले सब्जेक्ट होता है. सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है? अब कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, तो वर्ब क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में? एक्टिव वॉइस में है. लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो वर्ब कौन सी वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है. एक्शन रिसीव हो रही है, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो पैसिव वॉइस में है वर्ब. अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, तो वॉइस वर्ब कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस में. ठीक है? एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल. ये है एक एग्जाम्पल दी गई है आपको. ईवा सेंट एन ईमेल. सेंट क्या है यहाँ पे? वर्ब है. एक्शन परफॉर्म हो रही है. वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन परफॉर्म हो रही होती है. ठीक है? जो क्या कर रहा होता है? डिस्क्राइब कर रहा होता है एक्शन को. ठीक है? तो ये क्या है? वर्ब है. भेजा. किसने भेजा? ईवा. सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव है. एक्टिव है मतलब कि अगर अगर खाली हम सेंट लिख दें, नहीं पता चल रहा है. ईवा ने भेजा. क्या भेजा? ईमेल भेजा. ठीक है? तो ईवा क्या है? सब्जेक्ट है जो एक्शन को परफॉर्म कर रही है. डूअर है, परफॉर्मर है. ठीक है? एक्शन की कौन सी एक्शन? भेजने की. ठीक है? ईवा ने भेजा. क्या भेजा? एंड ईमेल. ईमेल क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है? अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एन ईमेल वॉज सेंट बाय ईवा. अब इसमें एन ईमेल क्या है? सब्जेक्ट है. मैंने अभी बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट है. ठीक है? लेकिन वॉज सेंट वर्ब है. बाय ईवा क्या है? क्या है बाय ईवा? एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है? एक्शन परफॉर्म हो रही है यहाँ पे. ये क्या है? ईमेल. किसने भेजा? अब यहाँ पे है किसके द्वारा भेजा गया? ईवा के द्वारा भेजा गया. के द्वारा. ठीक है? यहाँ पे इसने भेजा है. इसने के द्वारा भेजा है. ईवा के द्वारा ईमेल भेजा गया है. तो इसमें ईवा क्या है? क्या है? एक्शन को परफॉर्म कर रही है. और सब्जेक्ट क्या है? एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है? एक्शन रिसीव हो रही है. ठीक है? इसीलिए ये क्या है? पैसिव वॉइस में है. और ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है यहाँ पे वर्ब. ठीक है? बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम. कह रहे हैं कि जो ऊपर दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनका मीनिंग सेम ही है. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट कौन है? ईवा है जो एक्शन को कर रही है. ठीक है? और एक्शन क्या है? सेंट, भेजना. और सेकंड सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? जो ईमेल है सब्जेक्ट. ठीक है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. वॉज सेंट. ठीक है? वॉज सेंट एन ईमेल. एन ईमेल क्या है इसमें? सेकंड में पैसिव में क्या है? रिसीव कर रहा है एक्शन को. ठीक है? अब कह रहे हैं वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में तभी बोल सकते हैं कि वर्ब एक्टिव वॉइस में है जब द पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में
वो अगर इस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को जिसको भी डिनोट कर रहा है वो अगर एक्टिव है, ठीक है, तो सेंटेंस वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ईवा सेंट एन ईमेल, इसमें सब्जेक्ट क्या है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो पर्सन क्या है यहाँ पे, एक्ट कर रहा है ना, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, इसीलिए वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में है। कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। वहीं पे सेकेंडली क्या है, वर्ब इज सेट टू बी इन पैसिव वॉइस। वर्ब पैसिव वॉइस में तभी बोला जाता है कि वर्ब पैसिव वॉइस में है जब अ पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अगर जिस जिस भी पर्सन हो या थिंग हो जिसको भी डिनोट कर रहा हो वो एक्ट नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है जो कि किसी और के द्वारा की गई है, बाय समवन और समथिंग। एग्जाम्पल, एन ईमेल वॉज सेंट बाय ईवा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन नहीं है, थिंग है, ठीक है। एन ईमेल, यहाँ पे ये जो थिंग है ये एक्टिव नहीं है, ये एक्शन को रिसीव कर रही है बाय समवन, बाय हुम, बाय ईवा, बाय ईवा, इस ईवा ने क्या किया, ईमेल सेंड किया, ईवा के द्वारा ईमेल सेंड किया गया, ठीक है, एक्शन रिसीव की सब्जेक्ट ने, इसीलिए ये क्या है, वर्ब क्या है, इसमें पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब कह रहे हैं इससे हमें पता चलता है, हमें पता है, हमने कल पढ़ा कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अगर वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा हो, डिपेंड हो ऑब्जेक्ट पे, मीनिंग तभी कंप्लीट हो रहा हो अगर ऑब्जेक्ट उसके साथ लगा हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की टू वॉइसेस होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ नाइस मील, इसमें प्रिपेयर्ड क्या है, एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, वर्ब है, मेन वर्ब है। हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स की कैटेगरी है, ठीक है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ नाइस मील, प्रिपेयर्ड व्हाट, नाइस मील, आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिपेंड है, डायरेक्टली है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है। तो क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे, मील किसने प्रिपेयर की है, शी हैज़, इसने प्रिपेयर की है, तो शी क्या है इसमें, एक्टिव है, ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, अगर यही प्रिपेयर नहीं करती तो नाइस मील नहीं बनती, तो ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, इसने प्रिपेयर की है मील, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अ नाइस मील हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, अब इसमें ए नाइस मील क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अ नाइस मील, इसने कुछ नहीं किया ना, नाइस मील क्या है, थिंग है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है, कौन से एक्शन रिसीव कर रहा है, शी, हर, हर मतलब, बाय हर मतलब उसने प्रिपेयर की है नाइस मील, नाइस मील प्रिपरेशन की है, नाइस मील प्रिपेयर की गई है किसके द्वारा, इसके द्वारा, लेकिन नाइस मील क्या है, एक्शन रिसीव कर रही है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पैसिव वॉइस में। देर आर फ्यू पॉइंट्स वी मस्ट कीप इन माइंड अबाउट पैसिव वॉइस। अब हमें पता चल गया एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को। अब कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं एक पैसिव वॉइस को लेकर। पहला है सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमने पढ़ा है कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कैन नॉट हैव पैसिव वॉइस, इनमें पैसिव वॉइस नहीं होती है इनकी। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड, द चाइल्ड स्लीप्स, ठीक है। पैसिव वॉइस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस किन्हीं वर्ब्स के लिए पॉसिबल है, सिर्फ जिनमें ऑब्जेक्ट होता है,
वर्ब के साथ लगा हुआ, और ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, कह रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एनी वन ऑफ द टू कैन बी मेड द सब्जेक्ट, किसी को भी सब्जेक्ट हम बना सकते हैं अगर हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। हाउएवर अ पर्सन इज़ यूजली मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रैदर देन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता है कि एक पर्सन को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वी गेव अ बर्थडे गिफ्ट टू मनु, किसने दिया? वी गेव अ बर्थडे गिफ्ट, गेव क्या है? देना, किसने दिया? वी ने दिया, किसको दिया? मनु को दिया। इसमें मनु क्या है? रिसीव कर रहा है ना, बर्थडे गिफ्ट इसको मिल रहा है, तो ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, ठीक है। तो बर्थडे गिफ्ट क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी गेव व्हाट, जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अ बर्थडे गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया? टू हूम, किसको दिया? मनु को दिया, ठीक है। तो मनु क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कह रहे हैं, अब आ गया इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स, बर्थडे गिफ्ट और मनु। अब हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट अगर हम मनु को बनाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएं, मनु वॉज गिवन अ बर्थडे गिफ्ट बाय अस। सेकेंडली है कि अगर हम बर्थडे गिफ्ट को सब्जेक्ट बनाएं, अ बर्थडे गिफ्ट वॉज गिवन टू मनु बाय अस कैन नॉट बी अमिटेड, कैन बी ओमिटेड, मतलब कि ये सामने पता चल रहा है कि मनु को किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, इसमें बाय अस ओमिट कर सकते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा है वो पता होता है कि वो अंडरस्टूड होता है कि किसी ने दिया है, तो वो ज़रूरी नहीं होता है लिखना, ठीक है। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रेस्ट जो इसका टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास।